हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेजी नारी। सो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक अलग सी एंड इंटरेस्टिंग सी रेसिपी जो कि है फिग फ्रूट करी। होप आप सबको ये वाला वीडियो बहुत अच्छे होंगे। तो फिग्स यानी कि अंजीर हमारे हेल्थ के लिए, हमारे वेलनेस के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो फिग्स के अंदर है नेचुरल शुगर्स, मिनरल्स, वाटर एंड फाइबर। तो फिग्स आर रिच इन मिनरल्स इंक्लूडिंग पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर एंड ऑल्सो हैज अ सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन ए एंड के। सो कंट्रीब्यूट टू हेल्थ एंड वेलनेस, तो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। चले वीडियो को स्टार्ट। कीमा बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो फिग है उसे इतने से साइज में कट करना है, यानी उसे पहले ही मैंने बॉयल कर लिया है। बॉयल्ड आप जिस तरह से बॉयल करते हो वैसे ही करना है। थोड़ी सी ऑयल एंड प्याज दे के इसे फ्राई करेंगे करना है जब तक ये जो प्याज है वो ब्राउन ना हो जाए। ये थोड़ी सी हल्दी पाउडर एंड जो ग्रीन चिली है उसे कट करके दिया है, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ ग्रीन चिली का ही यूज़ कर रहे हैं, कोई भी पाउडर या फिर सूखी मिर्च का यूज़ नहीं कर रहे हैं। एंड ये वाला आप एक बार घर में ज़रूर बना के ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये वाला हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। इसका बेनिफिट्स मैं बताऊँगी। भुन जाए तब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अदरक लहसुन। अदरक लहसुन को भी अच्छी तरह से भुनना है, तब तक भुनना है जब तक इसकी जो स्मेल है रॉ स्मेल वो चला जाए। एंड उसे अच्छी तरह से प्याज के अंदर मिक्स कर देना है। एंड एक इसे भूनने के बाद एक अलग सी खुशबू इसमें ऐड हो जाती है। इसके अंदर हमने थोड़ी सी हल्दी पाउडर ऐड किया है एंड इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बाद इसके अंदर हमने ऐड किया है 3 टीस्पून ऑफ जिसमें सीड्स का पेस्ट। आप इसमें पॉपी सीड्स का पेस्ट भी दे सकते हो, बट हमने यहाँ पे सिर्फ जिसमें सीड्स का पेस्ट दिया है। सो जो फिग है वो हमारे हेल्थ के लिए कितना बेनिफिशियल है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले वो वेट मैनेजमेंट करने के लिए काम करती है, अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है, प्रमोट करती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, बूस्ट करती है हार्ट हेल्थ को, रिवर्स करती है कॉन्स्टिपेशन को, प्रमोट करती है बोन हेल्थ को, रेगुलेट ब्लड शुगर, टेंशन जन बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं अपने हेल्थ के लिए। सो आप खाना चाहिए। एंड इसके अंदर जो मैग्नीशियम पोटाशियम है वो हमारे शरीर के जो अच्छे है उसमें देना है। अभी हमें इसके अंदर ऐड किया है नमक। इसके नमक आप स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हैं। नमक को भी अच्छी तरह से हम मिक्स्ड कर रहे हैं। देन पेस्ट जो है वो रेडी हो जाए तभी हमें बॉयल करे हुए जो फिग है उसे हमें दे देना है एंड उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसको फिग को आप बहुत तरीके से खा सकते हो। आप इसका ड्राई फ्रूट बना के भी खा सकते हो, इसे मिल्कशेक में मिलाकर भी खा सकते हो, इसका आप जो सब्जी है वो भी बना के खा सकते हो, आप बहुत तरह की चीज़ें इसमें बना के खा सकते हो। सो ये वाला सिर्फ जो फिग है वो आप सिर्फ गांव में ही पाओगे। सो गांव के लोग ही इसे सिर्फ खाते हैं। तो अगर आपको इसके जो बेनिफिट है वो लेना है तो आपको ये ज़रूर खाना है एंड ये वाला रेसिपी आपको ज़रूर ट्राई करना है। करने के बाद लो फ्लेम में इसे चलाते ही जाना है। मीडियम फ्लेम आपको यूज़ करना है एंड चलाते ही जाना है, नहीं तो नीचे लग सकती है एंड आपकी जो सब्जी है वो जल सकती है। तो आपको चलाते ही जाना है एंड देखना है कि कब तक ये हो रही है। एंड आप ऐड किए हैं ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर हमने यहाँ पे यूज़ किया है नीट का ज़ीरा पाउडर हमने यहाँ पर यूज़ किया है। इसके बाद हम इसे थोड़ी सी मिक्स कर लेंगे एंड इसे थोड़ी सी बैलेंस करने के लिए इसके अंदर ऐड किए हैं बहुत सारा शुगर, क्योंकि शुगर जो टेस्ट होता है सब्जी का उसका टेस्ट को बैलेंस्ड करती है एंड बहुत ज़्यादा टेस्टी बना देती है। सो इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करना है। आपको मीडियम फ्लेम ही इसमें यूज़ करना है, हाई फ्लेम नहीं तो जल सकती है। सो हम पहले नॉनस्टिक पैन में ट्रांसफ़र कर लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा लग रही थी। जो तैयार होके एकदम रेडी हो गए हैं, हमें हम थोड़ी देर कुक करने के बाद ही इसे निकाल के गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप राइस के साथ, रोटी के साथ या फिर तंदूर के साथ आप इसे खा सकते हो। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। करके ज़रूर बताना, वीडियो हेल्पफुल रहे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल बटन को भी हिट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।